हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव है। मैं सीयूईटी 2022 का एक कैंडिडेट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, और मैंने अपनी प्रिपरेशन एजुकेशन जोन के साथ की थी। और आई एम वेरी मच हैप्पी टू अनाउंस दैट कि मेरा जेएनयू में जर्मन लैंग्वेज में सिलेक्शन हो गया है। और ना सिर्फ जेएनयू, मेरा सिलेक्शन इफ्लू हैदराबाद में फ्रेंच एंड जर्मन दोनों में हुआ है, विथ रैंक्स अनरिजर्व 05 एंड ओबीसी 03 रेस्पेक्टिवली। यही नहीं, मेरा सिलेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जर्मन प्रोग्राम के लिए भी हुआ है, विद ऑल इंडिया रैंक 5। एंड मेरा सिलेक्शन BHU में भी हो गया है। एंड उसके साथ साथ मेरा सिलेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में BA LLB के कोर्स के लिए भी हुआ है। तो चलिए बताता हूँ कि आज मेरी CUET की जर्नी कैसी थी। तो ये बात स्टार्ट होती है लगभग 1 साल पहले, जब मैंने नीट से ड्रॉप लिया था। नीट का ज़्यादा मेरे को समझ में आता नहीं था, क्योंकि फिजिक्स मेरे से होती नहीं थी। ठीक है, मैं बायो का एक स्टूडेंट हूँ, बायो मेरी बहुत अच्छी थी लेकिन फिजिक्स मेरी बहुत ख़राब थी, और इस वजह से मेरी नीट पे ज़्यादा सभी फोकस नहीं था। तो फिर एक यूट्यूब चैनल मिला एजुकेशन जोन के नाम से, जो लोग फॉरेन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पारंगत हासिल किए हुए थे, जो लोग JNU के लिए स्पेशलिस्ट थे, तो वहाँ से उनके यूट्यूब चैनल से मिला। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी, मुझे अच्छे लगे एजुकेशन जोन के। और जो एजुकेशन जोन पे जिन्हें आप देखते हैं यूट्यूब के वीडियो पे, वो हमारे रमेश सर हैं। बहुत ही प्यारे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही सपोर्टिव टीचर हैं। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ पे मैंने उनका टेलीग्राम ज्वाइन किया, और टेलीग्राम से मुझे पता चला कि ये लोग पेड बैच भी चलाने वाले हैं इस साल के JNU बैच के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा फरवरी 2022 में मैंने ज्वाइन करा। 1 महीने हमारा क्लास चला होगा एजुकेशन जोन पे, बहुत बढ़िया क्लास था, और हमारे जो टीचर्स हैं सब एक से एक हैं। तो 1 महीने हमारा क्लास चला, उसके बाद CUET 2022 का अनाउंसमेंट हो गया, और ये पता चल गया कि अब JNU का या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का इंडिविजुअल एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो फिर उन्होंने नया बैच स्टार्ट करा CUET 2022 के लिए, और सारे बच्चे फिर मतलब कि JNU वाले बैच से इसमें आ गए। और फिर हम लोगों ने तैयारी करा 4 से 5 महीने, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा। सारे टीचर्स अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब कि पारंगत हैं, स्पेशलिस्ट हैं। टीचर्स का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट हम लोग जैसे उन्हें कोड लैंग्वेज में रीजनिंग वाले सर, GK वाले सर, इंग्लिश वाली मैम, मैथ्स वाले सर, इस तरह करके बोलते हैं वहाँ पे। तो उनके बारे में बस कुछ दो चार बात बता देता हूँ। हमारे जो रीजनिंग वाले सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। कभी कभी थोड़ा गुस्सा जाते हैं, कभी कभी बहुत सॉफ्ट रहते हैं। उन्हें मतलब परफेक्ट एक बैलेंस होता है ना, कि कब टीचर बनना है, कब बड़ा भाई बनना है, कब दोस्त बनना है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। GK वाले सर का नॉलेज कमाल का है, जो भी फील्ड वो पकड़ ले, मतलब अगर वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से उसे बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है कि आप किसी और को अगर समझाने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ा है मैंने। इंग्लिश वाली मैम एंजल इन डिसगाइज बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे से बताती हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से समझाती हैं। और जितना मैम ने पढ़ाया है और जितना होमवर्क वो देती हैं, अगर उस होमवर्क का कोई बच्चा 70% भी कर लेता है ना, तो भी CUET में उस इंग्लिश फोर्ड करके आएगा। मैथ्स वाले सर अगेन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं। क्योंकि मैथ्स में देखो क्या है, हमारी बायो है, अब यहाँ पे मैथ्स पढ़ेंगे तो थोड़ी सी तो दिक्कत आएंगी, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, चीज़ों को बहुत क्लैरिफाई करके समझाते हैं। ऐसा कभी नहीं लगता है कि हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, नहीं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और CUET में बहुत लो लेवल का मैथ्स आता है, क्लास 8 के लेवल का मैथ्स आता है, तो उतना प्रॉब्लम होता भी नहीं है। रमेश सर हमारे मैनेजमेंट देखते हैं, कभी भी आप उन्हें कॉल कर लो, 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं। बहुत अच्छे से वो भी कोई चीज़ों को, जो कि मतलब कि सिलेबस के जो बाहर का टॉपिक्स है, जैसे कि सर इसमें ये फॉर्म नहीं खुल रहा, ये वेबसाइट नहीं खुल रहा है, अब आगे क्या करना है, एडमिशन ले लिया, फीस पे कर दिया, अब क्या करना है, तो वो उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप जैसे कि उन्हें जानते ही होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहाँ तक का ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा था। एजुकेशन जोन एक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक परिवार के तरीके से है हमारे। सब हम लोग एक फैमिली मेम्बर की तरह पे वहाँ पे हैं। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये एक वीडियो एक छोटा सा बस उन्हें थैंक यू कहने के लिए है। थैंक यू एजुकेशन जोन, थैंक यू रीजनिंग वाले सर, थैंक यू GK वाले सर।
तो अगर आप भी अपना तैयारी, आपका भी अगर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी JNU है, देखो CUET है तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको CUET देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप JNU के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा डिजायर्ड यूनिवर्सिटी JNU है, तो एजुकेशन जोन को यार ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं ना वो JNU के पास्ड आउट हैं, तो उन्हें पता है कि चीज़ें JNU में कैसी होती हैं, तो आपको वो उस लेवल से तैयारी कराते हैं। ठीक है, GK वाले सर स्पेशली, क्योंकि वो खुद जर्मन के स्टूडेंट हैं, तो वो मतलब इस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं कि मतलब आपको कोई वैसा नहीं समझाएगा, बहुत अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो वही बात है कि अब जैसे कि हमारा एडमिशन हो चुका, तो एडमिशन के बाद भी वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने वही माहौल में रह के पढ़ाई करा है। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप अगर JNU अगर आपका डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है तो आप प्लीज़ मेरी बात एक बार मान लो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं से तैयारी करा है, बहुत ज़्यादा समय इन्हें दिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैंने तैयारी करा है, बहुत सारे टीचर से तैयारी किया है, लेकिन ये लोगों का साथ एक अलग का साथ था, मतलब कि ये लोग मेरे साथ 24/7 जुटे रहते थे, मतलब इस टाइप के थे ये लोग। तो बहुत कुछ बोलने को मन कर रहा है, बट ये वीडियो यार, एक वीडियो बस एक बहुत छोटा सा चीज़ है जो हम इनके लिए बना रहे हैं, थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू एजुकेशन जोन टीम, थैंक यू एजुकेशन जोन के टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स, थैंक यू।